जी जरूर बताना है हमारा हाउस कैसा है। जी बिल्कुल, सारा कुछ हमने एक एक चीज वादे वादे करके बता दी है। बिल्कुल, सोना भी बनाती रही है, सोने का कारोबार करती थी मेरी। लगता है भाभी के अबू ना सुनार है। कितने में एक तोला मिलता है? ये पता नहीं, उनको पता ही नहीं है। जो बर्तन देने वाला था ना उस मार्केट का कहाँ आपने जाना है, चैनल पर जाके विजिट करें, सोने के बर्तन मिल जाएंगे। चैनल आ जाएगा आज ही ऑनलाइन, बर्तन जिसने भी मंगवाने भाई, सामान रखने के लिए राइट का। और वो आटे वाला ड्रम भी रख दिया है, सही बनाया ना। आप तारीफ करो, बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह। हम तारीफ तो कर रहे थे, आपने पहले ही पुल बांध लिया। हाँ, तारीफों के पुल बांधने चाहिए। बंजी, ये नीले है, वो भूरा है। इसका अबू ऐसे था, इसलिए आप गोरी हो, मैं काला हूँ। आपकी हमने चिट्ठी थी, आमीन। वो भी आ रही है। आपके बच्चे बहुत खुश होते हैं जब इसे उठाते हैं ना। क्या बोलते हैं, आगे भी चमक रहा है, फिर और चमक और चमक जाएगा। हर चमकते चीज सोना नहीं आते। वो पेटी वाला कपड़ा था, वो ऐसे डाल दिया और इसका वैसे डाल दिया। वो देखिए, वो अब बड़ा हो गया, ये चार पे के ऊपर भी नहीं आता। बस कर भी दिया। हाँ जी, उन्होंने पहले डाल दिया था, खरे में कौन डाल के छोटी। मैं तो अभी आया, मैं क्या भी शायद डाल रही है। नहीं नहीं, मैं स्वेयर किया यहाँ, तो वो मैंने डाल दिया दोनों को। सही है जी। बच्चों का हाल देख, सबर सारी नीचे हो गई। अभी भी सोए हुए हैं, ये जल्दी क्यों नहीं उठते? बस मोबाइल दिखे लगे रहने देर तक, फिर नींद आई। वो तो कुंडी लगाई हुई, तो मैंने आवाज़ मार 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 में मसे मसे हंसी उठी, आया तो कुंडी खोली। चलो आप उठ जाएंगे। सुबह सुबह का वक्त, बिल्कुल सुबह सुबह का। और मैडम साहबा वही काम देने वाला, ठीक है, मानना खांसी आना देने वाला काम है जी। क्यों खांसी मारे थे, क्या फंस गया? पता नहीं, कुछ फंसी होगी ना, पता भी नहीं है। नहीं,
ऐसे तो एक खांसी आती है, पर चार क्यों आई? खांसी है, आ जाती है। पहली बार आपको खंगते देखा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक ठाक है। और जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा अच्छा कमेंट करें। वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। जो बीमार है अल्लाह पाक से शिफा दे, जो बेहोलाद अल्लाह पाक से कलाद दे, जो मजदूर हैं चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक से चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो बहन भी हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छे करें और उनके माल रिस्क में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी इस नेक दुआ के साथ चलते हैं अभी लोग की तरफ, तो रहना है हमारे साथ। हाँ जी मैडम, अभी हम दिखाने वाले हैं अपना मुकम्मल घर। हाँ जी, पहले बन रहा था, नहीं दिखाया, अभी मुकम्मल घर का विजिट करवाएंगे सब देखने वालों को। अभी ये तो देखिए ये क्या है, ये हैं बड़ोले आगे। अच्छा आगे क्यों कचरा इकट्ठा हो गया है? मैं बताता जाता हूँ, आप पूछते जाए। अब पूछ तो रही हूँ, वो क्यों रखा हुआ है? वो खराब हुआ पड़ा है चूल्हा। ये ना मुझे समझने दे। हाँ ये है जी मवेशियों के चार दीवारी, मवेशियों वाले चार दीवारी भी कंप्लीट कर ली है, माशाल्लाह, है ना जी। हाँ एक एक चीज नोट करके बताएंगे ना। ये चार दीवारी तो मैंने दिखा दी, ये है जी मवेशियों को पानी पिलाने वाले होदे, अम्मी देखे पानी पिला भी रही है। और ये इसका है ना बकरियाँ, बड़े मवेशी ये पानी पीते हैं। सही बनाया ना, आप तारीफ करो। बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह, हम तारीफ तो कर रहे थे, आपने पहले ही पुल बांध लिया। हाँ तारीफों के पुल बांधने चाहिए। मजे की बात बताओ, ये मवेशियों को पानी पिलाने वाली और मेरे बच्चों को नहलाने वाली। अगले दिन यहाँ पर ना आ रहे थे। हाँ जी बड़े शरारती हैं यार। अच्छा आगे आ जाए बेगम, ऐसे विजिट करवाते चले। तो ये है जी, आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर भी बता रहा हूँ। ये देखें ऐरे जो है ना लगे हुए हैं, एक वो रहा एक ये रहा। इसको ना हम बनाएंगे सर्दियों के लिए मवेशियों का भाड़ा। हाँ जी ये वाला इधर खाली होगा। यार आपको क्या बोला है, ये ना हम बनाएंगे मवेशियों के लिए भाड़ा, वो भी सर्दियों के लिए। मुझे तो छोटा लग रहा है। हाँ भाभी हमने तो अबू को यही कहा, अबू ने कहा कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर बड़ा होगा। अब देखें यहाँ पर आएगी, ये तो छोटा सा। अच्छा मुझे एक बात समझे यार, मौसम भी आप समझदार हैं। एक छोटी सी ना वो होती है उसे क्या बोलते हैं जो छोटा सा डाला होता है, शाजोर सजोकी और शाजोर होता है। चलो उसमें आप देखें लोग कितने मवेशी डाल के ले जा रहे होते हैं। लैंड में तीन चार चार ऐसे होते हैं और दो तीन ऐसे, कम से कम छः सात होते हैं। छः सात होते हैं और ये देखें शाजोर से छोटा है। हाँ अबू ने यही कहा, इस साइड पर दो बड़े गई आ जाएंगे और उस साइड पर जो है वो छोटे हैं वो आ जाएंगे, और इस साइड पर वो छोटा बछड़ा है और दूसरी गाय जब बच्चा देगी वो भी इस साइड पर आ जाएंगे। मुकम्मल तफसील के साथ बताता चलो, क्योंकि ये जो है अभी फिलहाल ऐसे बनाया है, जब सर्दियाँ आएंगी और मवेशी हमारे ढेर हो जाएंगे तो ना इसको ये अरे उठा देंगे तो इसको आगे कर लेंगे थोड़ा सा। अब आ गया चलो। हाँ ये भी जो है बढ़ने वाली चीज़ है माशाल्लाह से, तो ऐसा तो नहीं है कि यही रहेंगे, तो इसमें पूरे कर रहे हैं आपने,
जब मैं बढ़ जाएंगे तो फिर आगे वैसे होना तो मेरे हिसाब से आगे चाहिए, क्योंकि जब फिर से आप करेंगे वो पहले कर लेते तो अच्छा नहीं था, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत हो गया है हमारे बाबा जी। चलो जी, जो भी उन्होंने सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, सोचा होगा उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा सोचा होगा ना, कि अभी वो किस फुर्सत में है। हाँ जी, चलो आगे भी इनको दिखाते चले चीज़ें, देखने वालों को और आपको, आप भी तो देखने वाले हैं ना। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा ये देखें, दरवाज़ा पकड़ा हुआ है मैडम ने, और ये है जी बकरियों का सहन, बकरियों का हाउस। हाउस और सबसे खुशी की बात ये है आज वो बकरी ने बच्चा दिया, देखे वो कैसे शरारत कर रहा है माशाल्लाह। चलें दिखा देते हैं बकरियों का हाउस। वेलकम टू बकरियों का हाउस, वेलकम टू बकरी हाउस। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वो जो के नाम बच्चा जो दिखा रही है माशाल्लाह, ये बच्चा दिया है सुबह माशाल्लाह, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है माशाल्लाह, अल्लाह पाक जिंदगी दे। इस बकरे ने दिया है ना। हाँ जी, ये नीले है वो भूरा है, इसका अबू ऐसे था इसलिए। आप गोरी हो, मैं काला हूँ। आपकी अम्मी चिट्टी थी, आपकी दादी भी सोनी होगी, उसके चर्चे थे जहान में, आपके दादी की तारीफें होती आज भी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। तो चलें जी, ये जो है बकरियों का वाड़ा, ये हमने दिखा दिया है हाउस। हाँ बकरी, ये चीज आपको बताता चलो, ये दरवाजा जो है बंद है, इसमें फल जो है ना छोटे छोटे बच्चे वो ढके हुए हैं, ये है इनका सर्दियों के लिए एहतमाम, बकरियों का सर्दी का, सर्दियों का इंतजाम। वही तो, इसको ना सर्दियों में बकरियों को हम यहाँ पर ढक देते हैं। खोलना है या नहीं? खोल ले तो अंदर वो खड़े होंगे। वो देखे, वो देखे, ए बड़े शरारती होते हैं, कैसे देखे। एक यहाँ पर बैठा है, वो दो तीन है, वे और भी है, एक वो बैठा है, तीन ये और तीन वो, छह और एक वो बेचारा सोया पड़ा है, और वो भी है मसला से, बहुत सारे मेमी हो गए हैं। अल्लाह पाक इनकी जो है लंबी जिंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती। आमीन। वो भी आ रही है। आपके बच्चे बहुत खुश होते हैं जब इसे उठाते हैं ना। वो पर क्या करते हैं? वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं जैसे खेतड़ को पकड़ा हो। हाँ, ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं। चलें आ जाए, ये जो है हमने दिखा दिया है सब्जियों वाला इंतजाम, आगे भी चलते हैं, आगे और भी चीजें आपको बताते चले। दरवाजा ओपन, खोल जा सैमसम। ये जी चार दीवारी कंप्लीट, और ये जो है दरवाजा लगाया है हमने मवेशियों वाला, यहाँ से बकरियाँ आती जाती हैं। हाँ, और ये लगा हुआ है। ये जो बकरी बैठी है ये बीमार थी बेचारी, पहले बीमार थी, अब दो बच्चे दिए हैं माशाल्लाह, दो बच्चे देकर भी बीमार है। हाँ जी, और दवाई वगैरह ली है, अभी अभी उठाया है ना जिस बच्चों को, इसके थे, दवाई वगैरह ली है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इसे सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। धीरे धीरे लेकिन खैर सही जी। आ जाए जी आगे, फिर वेलकम करें हमारे हाउस में। ये मवेशियों का हाउस था। अच्छा, ये है जी हमारा हाउस, वेलकम टू माई बेगम हाउस। अच्छा तो चलें जी इस साइड पे, सबसे पहले किचन, सबसे पहले किचन, ऐसे जा रहे हैं ना। हाँ ऐसे जा रहे हैं, किचन में तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल जी, अभी दिखाते हैं जी किचन, वेलकम टू आवर न्यू किचन। सामान भी रखा हुआ है, ये देखिए, ये सफेद इसलिए बनाई थी सामान रखने के लिए, राइट का। और वो आटे वाला ड्रम भी रख दिया है। तो आलू भी हवा लगवा रहे हैं। वो तो पैक है, ये तो छापर में पैक है, ये अभी अभी लेके आए हैं।
ये वाला पहला है। हाँ आपको ये बताते चलो, अब्बू और फरमान भाई कहीं जा रहे हैं बाइक लेके, तो हमने सोचा ये राशन टाइम से ले लें, पता कब आते हैं। ढेरों राशन मंगवा लिया। हाँ जी ये रखा हुआ है, अभी मंगवाया। और वो भी आलू पकाएंगे दो तीन दिन? नहीं आज आलू मटर बनाएंगे शाम को, फिर देखेंगे सुबह, शायद आज आया शाम को, वो तो वापस आ जाएंगे। हाँ जी ये जी हमारा किचन, हमने सजावट शुरू कर दी है आस्ते आस्ते जी, और ये सामान जो है रखा हुआ है, ड्रमी भी आटे वाली यहाँ आ गई है, छानी यहाँ पर रखेगी, छानी जो है सामान वाली वो भी यहाँ पर रखेंगे, ईटे तो यहाँ रख दी रखेंगे, वो हमने सोचा यहीं पर रख दें, लेकिन अब्बू ने कहा है कि इस तरफ रख दें, यहाँ पर थली नहीं बनानी, बस ऐसे बर्तन धो के नीचे रख देना, क्योंकि वैसे भी अभी तो यहाँ पर धूल नहीं आएगी, और इस साइड पर तीन चूल्हे बनेंगे। चूल्हे है कि एक बनेगी यहाँ पर इस साइड पर और दो यहाँ पर, क्योंकि इस साइड पर जो जब ठंड होती है ना, इस तरफ तो बंदे बैठ जाएंगे और वहाँ पर भी कुछ बैठ जाएंगे। तीन चूल्हे, ओके हो गया, तीन चूल्हे, एक तो ऐसे रख देंगे जब कुछ काम आएगी तो फिर तीन एक साथ, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर ये जगह बची रहेगी। अच्छा साइड पे। हाँ जी तो ऐसे होगी ना, इधर बीच में बनेगी, जब ठंड होती है तो सारे बच्चे तो बैठ जाएंगे, जो है ना कुछ चीज बिछा कर बैठ जाएंगे आग फेंकेंगे एक साथ। अब्बू ने ना अक्कल से सोचा है। हाँ जी हर कोई अक्कल से ही सोचता है। नहीं अब्बू की सोच वैसे भी जो है ना इरफान भाई के अपनी माशाल्लाह काफी समझदार है। हम यहीं पर छानी रख रहे थे, लेकिन अब्बू आए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर रख दे, यहाँ पर और भी काम है, और हमने चार पाई यहाँ पर डाली थी, अब उन्हें कहा वहाँ पर डाल दे, वो देखिए बिस्तरे आज यहीं पर जी वहाँ पर बैठेंगे, हाँ लगवाएंगे। हाँ जी अच्छा तो चले जी, मैं बता रहा था एक यहाँ एक वहाँ जी, एक पे बनेगा हलवा, एक पे बनेगा सवैया और तीसरे पे बिरयानी, एक बनाएगी भाभी और भाभी बनाएगी सवैया, मैं बनाऊंगा हलवा, बेगम बनाएगी बिरयानी। आप हलवा बनाएंगे? आपको हलवा बनाना आता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए जी फिर आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी अम्मी अभी तक सफाई नहीं की इस रूम की, खैर हो सकते हैं, खाली बहुत काम हो रहा था ना, तो फिर सारा सामान ही पड़ा था, तो अभी सफाई करने गए, फिर लिपाई भी करेंगे, कल ताल भी बनाएंगे, इंशाल्लाह कमरा सेट हो जाएगा। पहले जब सजाया था ना इसको कितना खूबसूरत था, वो तो सीजा हुआ था, तले जानवर बांधे हुए थे, अभी और जानवर तो बह रहे, थोड़े किले भी उतारेंगे, तो सारे सेटिंग करेंगे, कुल लिपाई से पैकार अभी ठंडा हो जाएगा, तो बच्चे ही बैठे रहेंगे। ये देखे ना चूल्हे भी यहीं पर बने थे। हाँ चूल्हा देंगे सारा साफ, और ये भी सब कुटाई पटना है, सामान भी सारा सेटिंग बाहर निकालना है, और वो भी बर्तन धोने और वो कपड़ा भी धोना है, वो ऊपर जाला हुआ है ना वो भी निकालना है बाहर, और इसको ना लिपाई करनी है पहले की तरह। हाँ जी जैसे पहले हमने दिखाया था ना वैसे लिपाई करनी है, इंशाल्लाह कल लिपाई करनी है। खूबसूरत घर बना रहे हैं इंशाल्लाह, जब बन जाएगा ये भी माशाल्लाह न्यू कमरा बन जाएगा। हाँ जी जैसा किचन बना हुआ है ना आपने देखा है, तो बहन भी बताना जरूर है हमारा किचन कैसे बन चुका है, और हमने वो सामान भी रखा हुआ है वो कैसे नजर आ रहा है। हाँ जी और ये जब बनेगा ना फिर देखना, अभी तो कचरा वगैरह पड़ा है, सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह। तो अभी जी हम विजिट करवाएंगे आपको भाभी वाला रूम, फरमान भाई वाला। हाँ जी गाल है। चलो तो ये देखें जी हम आ गए फरमान भाई के रूम में, जो कि अभी सजावट का निजाम हो रहा है ऐसा लगता है। हाँ जी सफाई कर रही हूँ, अभी झाड़ू मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह हांडी रोटी को पका के खिला पिला के तो किचन की सेटिंग करना शुरू कर दिया, अभी उसकी सेटिंग करके अभी अपने कमरे की सेटिंग करने आई हूँ। अभी ये बर्तन कब सजाएंगे? इंशाल्लाह कल परसों तक रख दूंगी बर्तन, टेंशन नहीं लेनी अब।
काल तो दूसरे रूम में जैसे बताया था ना लिपाई करके आया, तो परसों वाले दिन इंशाल्लाह इस रूम में भी बर्तन रख देंगे। हां जी, काफी वक्त से देख रहा हूँ उनका कमरा सजा हुआ है। मैं सोच रहा था कि भाभी ने क्यों नहीं सजाया। परसों वाले दिन इंशाल्लाह। हम मसरूफ थे ना, इस वजह से नहीं सजाया कि टाइम नहीं मिला। आपको पता है मिस्त्री काम कर रहे थे, तो अभी मिस्त्री की छुट्टी हो गई है, उन्होंने काम खत्म कर करके वो चले गए हैं। तो अभी मैं अपना कमरा की सजावट करूंगी, तो इंशाल्लाह बहन भाई को जरूर दिखाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल फ्री हो गए हैं ना, तो फिर अभी होगी साफ सफाई शुरू और सजावट भी शुरू इंशाल्लाह। देखना सोने के बर्तन रखेंगे। हाँ जी, आप लोगों के सोने के मेरे हीरे क्या है? मेरे हीरे क्या है? हीरे के बर्तन होते हैं। भाभी जी लाई है हीरे के बर्तन। देखना आपके अम्मी तो माशाल्लाह फिर मेहरबान हो रहे हैं, हीरे का सामान दे दिया। हाँ जी, आज तक मेरे खाला भी मेहरबान है, उसने अपनी बेटी को ना गोल्डन के दिए हैं। मेरी अम्मी ने मुझे हीरे के दिए। गोल्डन नहीं होता, गोल्ड होता है। गोल्डन तो, गोल्डन किसको बोलते हैं? गोल्डन बोलते हैं जैसे वो नहीं होती है मुर्गी, गोल्डन मुर्गियां भी होती है। और गला भी होता है, कोई धागा होता है जो गोल्ड का होता है ना, असल सोना, उसे गोल्ड कहते हैं। गोल्डन का होता है, मिलावट होती है, उसे गोल्डन कहते हैं। रास के बाद आज पता चली है, आज पता चले है। आज भाभी ने बोला मसाला माइंड बहुत गहराई में है इनका। मैंने ये सोने बनाती रही हूँ, मुझे पता है। सोना भी बनाती रही है, सोने का कारोबार करती थी मेरी। लगता है भाभी के अब ना सुनार है। कितने में एक तोला मिलता है? ये पता नहीं। आपके यहाँ बर्तन भी बनते थे? हाँ जी, हाँ जी, सोने के बर्तन हमारे यहाँ तो इंसान भी बनते थे। वो नकली इंसान जैसे होते हैं। इंसान भी और बर्तन बनते थे सोने के। फिर मेरी अम्मी और भाभी की अम्मी वहाँ से गए हैं लेके आए हैं ना। भाभी बनाती थी। चलो सही है, मेरे ख्याल से जो है ना जो भाभी जी को बर्तन मिले थे वो सिद्रा ने बनाए थे। हाँ जी, मैंने बनाए थे, गिफ्ट दिए थे। बहुत खूबसूरत बर्तन थे भाभी के हाथ के बने हुए। तभी वो तारीफ कर रहे थे कि मुझे महंगे मिले हैं। मैंने तो वैसे गिफ्ट किए थे और भाभी जान ने कह दिया कि महंगे भी नहीं, ये क्या बात है। ओ, उन्होंने पैसे पता नहीं किधर किए, वो बोलते हैं मैंने खरीदे हैं। नहीं, मैंने तो वैसे ही गिफ्ट किए थे। नहीं, हमने खरीदा था। यार सोना गिफ्ट कौन करता है? चाहने वाला ही करता है। आपकी तो जान पहचान ये भी है। ऐसा मेरी बात सुने, दूसरों के मुंह पे बोल रहे थे कि हाँ हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। जब वो सब चले गए, इतना खुश हो के जी, इतना खुश हो के वो जा रहे थे कि देखे उसने सोने के गिफ्ट दे दिए। वो तो चले गए, पीछे हमें पता है उन्होंने बोला चलो पैसे निकाले। यार आप इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रही है। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रही, मुँह पे है ना। देखिए कौन इल्जाम जो बर्तन देने वाला था ना उस पे इल्जाम लगा रहा है लेने वाला। वो इस तरह है कि भाभी जी ने जो अभी जो बताया है कि दिखाने वाला को ये कहा है आपने कि हमने इसको गिफ्ट किए है, जब वो देखने वाले तो चले गए, तो भाभी जी बोले बाद में आपने पैसे लिए, मतलब ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपसे लिए थे पैसे, लिए थे, नहीं लिया था, तो फिर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे? पता नहीं, ये तो भाभी से पूछा चला है इल्जाम लगा रहे। नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, मैंने सोच समझ के ये बात की। कुछ कुछ होते हैं, हमें इल्जाम लगा दे बना दिए। नहीं नहीं, इल्जाम की बात नहीं है। अच्छा, तो इल्जाम मुझ पे लगा दो सारा। ये सीरियसली बात है, मैं सोने के बर्तन ना कोई गिफ्ट में नहीं देता। नहीं देता, देखिए देखिए।
और मसला से मार्केट है उनके, बड़े मार्केट है सोने वाले, मैं भी जाता रहता हूँ इनके मार्केट में। मार्केट का कहाँ आपने जाना है, चैनल पर जाके विजिट करें सोने के बर्तन मिल जाएगा। आज ही ऑनलाइन बर्तन जिसने भी मंगवाने बहन भाई, हमारे रिक्वेस्ट है कि मौसम भाई और भाभी के पास होंगे ऑनलाइन मंगवा देगी। और इंसान भी कहते हैं, मैं इंसान भी बना लेती हूँ, वो भी बना देगी। हाँ तो इनके चैनल का नाम है सिद्रा विलेज लाइफ, जरूर इनके चैनल से ना गोल्डन गोल्ड वाले ना बर्तन जरूर लेने हैं। वो गोल्ड तो लेते रहेंगे, पहले सब्सक्राइब तो करें। सब्सक्राइब कर दे प्यार से बोले। प्यार से, प्यार से ही तो बोल रहा हूँ कि बहन भाई ये जो है कर देंगे, मुझे जो है पूरा यकीन है और उम्मीद भी है कि बहन भाई जरूर सब्सक्राइब करेंगे और चैनल का विजिट भी करेंगे, आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है, ये तो वैसे आप बोल रहे थे कि सब्सक्राइब तो करें, क्या आप नहीं पता नहीं करते बहन भाई? मुझे पता है ना, करते हैं बहन भाई सपोर्ट, फुल सपोर्ट करते हैं हम उनका, जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हाँ जी, ये है ना बात। आप देखना सब्सक्राइब कर, कौन सा चैनल है? चैनल सिद्रा विलेज लाइफ। हाँ एक बार वो खाला ने सुना नहीं, सिद्रा विलेज लाइफ सर्च लगाना है यूट्यूब पर, इंशाल्लाह फर्स्ट पर आएगा क्योंकि हम सोने के बर्तन जो हाँ जी, और दोनों की तस्वीरें लगी हुई है, बहुत अच्छी पिक लगी है, फैमिली पिक्चर है। जब ऊपर से खोलेंगे ना आप तो अबाउट मतलब कि हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो माशाल्लाह इस तरफ दो क्यूट बेबी की पिक्चर लगी है पीछे बैकग्राउंड पर, इस तरफ भी और सेंटर में हम दोनों की पिक्चर लगी है अच्छी सी। इंशाल्लाह बहन भाइयों को पसंद आएगी, मैं झूठ नहीं बोलता, चैनल भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी आप परेशान ना हो, प्यार से रिक्वेस्ट कर दे, गुस्से से रिक्वेस्ट कभी नहीं करनी, गुस्सा करना ही नहीं है। हाँ ये है, देखने वाला तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, हम रोज रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, ये नहीं होता। नहीं नहीं, ये हमारा माइंड नहीं है। प्यार से जो बात मनवाए ना, वो बोलते हैं ना जब कोई बंदा ना मान रहा हो गुस्सा ना करे, प्यार से मनवाए। हाँ ये जो चीज है ना प्यार, ये बहुत कीमती और बहुत बड़ी चीज है, इससे जो है हर चीज मान जाती है, कोई भी इंसान है कोई भी चीज है वो प्यार से मान जाती है, गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार, प्यार का नाम भी देखे कैसा है, प्यार प्यार बहुत प्यारा होता है। हाँ जी मीठा भी होता है। चले फिर आगे आपने सजावट शुरू करें। मुकम्मल हो गया रूम? हाँ जी। सजावट तो किए नहीं ऐसे मुकम्मल क्या देखो। हाँ ठीक है फिर आगे आगे इंशाल्लाह जब सजावट करूंगी ना फिर आगे मेरे कमरे की तारीफ करेंगे। नहीं यहाँ पर तो आने का दिल नहीं करता है, इस रूम में सजावट है नहीं। चलो ना आया करे ना, मेन बात ये है सोते भी आप यहीं हैं। गंदा रहो, मैं अंदर नहीं सोऊंगा यहाँ पर। चलो ठीक है, कोई भी ना सोए, चलो मेरा कमरा फारिग हो जाएगा। ठीक है नहीं आना फिर। जी मम्मी कहती है वो पान पैंट ले आओ, और देखिए आपको भी कुछ बोल रही है। क्या क्या ले आए? पैंट, पानी वाला, वो तो गया हुआ था उधर, वहाँ पर है, अमीन बोला वहाँ पर ले आए, और जकिया को कुछ बोल रही है। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था, आपका रूम मसला से खूबसूरत है, हमारे रूम से भी ज्यादा खूबसूरत है आपका रूम है। ये ना हो मैं क्लियर ना करूँ फिर झगड़ा हो जाए कि ऐसा बोला था मुझे। सही जी आगे पे चलते हैं। तो आगे तो दिखा दिया है, तो अभी आप मेरे रूम का विजिट करें बहन भाइयों, और भाई को भी दिखाती हूँ, भाभी को भी दिखाती हूँ। सबसे पहले इस्तेहाना आ गई है। हाँ जी इस्तेहाना आज तो बोला भी नहीं है, यही खोल दें, सेना कहती है खोल दें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खोल, इधर कंजे कुटे पे ये मरे, ऐसे नहीं खोल, बिस्मिल्लाह हाउस खोल गया, रूम 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 जी खोल गया है, आप जा रहे हैं अंदर, और अब अंदर के हालात देखें। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं,
खूबसूरत कैसा रो मैं। अब ये मैं बताती चलूं, इंशाल्लाह कल तो लिपाई करनी है और परसों वाला दिन मैं ये पूरे कमरे को ना फिर अच्छी सी सफाई करूंगी, ये बर्तन धोऊंगी और ये कपड़े धोऊंगी। ये बर्तन सारे धोएंगी और ये भी धोएंगी, सब कुछ धोएंगी और चार पाया भी धोएंगी। क्या बोलते हैं, आगे भी चमक रहा है, फिर और चमक और चमक जाएगा। हर चमकते चीज सोना नहीं आते। और मुझे दिखाने तो दे, पहले दिखाया नहीं, तरीफे शुरू कर दे। चार पहिया इन पे लगी हैं सीटें, यहाँ पर कोई बंदा आता है ना सेठ, बड़े बड़े मूछों वाले, तो वो यहाँ पर आराम फरमाएंगे। यहाँ पर ये देखें बड़े बड़े मूछों वाले। और मैं ये बताती चलूं, ये जो चादर है ना, ये वहाँ पर थी पेटी पर, और जो पेटी के ऊपर है ना वो इस चार पाई की थी, मैं भूल गई थी। नहीं पहले तो पूरे पूरे रखे हुए थे, जब पहले पूरे पूरे रखी हुई थी। अब वो अबू की जूती निकाल रही थी ना, तो फिर ये जो है ये पेटी वाला कपड़ा था यहाँ चारपाई के ऊपर डाल दिया, और जो पेटी वाला कपड़ा था वो ऐसा डाल दिया, और इसका वैसे डाल दिया। वो देखिए वो अब बड़ा हो गया, ये चारपाई के ऊपर भी नहीं आता। ये पहले वो पेटी का ही है, वो है चारपाई वाला। तो ये देखेंगे बर्तनों की सजावट भी कौशल ने करके रखी है माशाल्लाह से। और भी भाभी का भी रूम सजने वाला है, इस तरह से माशाल्लाह सजेगा जैसे ये सजाया है, बिल्कुल सेम यही टॉपिक होगा। सेम सेम टॉपिक, सेम ये, क्योंकि सेट भी एक जैसी है। हाँ, तीन कमरे के एक जैसे। बर्तन को बर्तन का शायद कलर और हो, डिनर वाला बर्तनों का शायद। और ये जो सजावट और ये पेटी संदूकों पर भी वो रख दिए हैं कपड़े। मसला आपका रूम भी बहुत खूबसूरत है, आप तारीफ करेंगे मोहसिन भाई। बहुत ही फैंटास्टिक, एकदम अमेजिंग लुक आ रही है। अभी तो मैं फिर से देखूंगा, या तो ये दोबारा सफाई हो के फिर जब बर्तन भी सफाई हो के फिर जब रखे जाएंगे ना, फिर दोबारा जो है ना दुगनी चमक हो जाएगी, फिर दुगनी तारीफें होगी। अभी तो दो चार पुल बंद है, फिर दस पुल बंद टूट ना जाए पुल। नहीं पक्के बंद होगा, टूटेंगे नहीं पक्के। वो जो किचन में बांधे थे ना दो तीन, वो टूट गए। इतना जल्दी कैसे टूट गए यार, लगता है वो बनाने वाले ने ना सीमेंट अच्छा नहीं लगाया था। मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। नहीं उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है। वहाँ भाभी के रूम में गए ना, तारीफें हो गई ज्यादा, वजन जो है ऊपर आया, टूट गई। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक करम करे, फिर जब बांधूंगा ना अच्छे से, ताकि तकड़ा वजन उठा रहे। हाँ जी, मोटे मोटे पोल दे, मोटे मोटे पोल। चलो जी सही है, आपका रूम भी अमेजिंग है, सुपर है और फैंटास्टिक भी बताया है। हाँ मैं आपको ये बता रही थी, जैसे ये कपड़ा है ना ऐसे और ले है। खैर है और ले है। और वो मैं खिड़की पर लगाना है, और वो हम पर भी दरवाजे वाले हैं, वो क्या होते हैं पर्दे, पर्दे खिड़की का पर्दा और दरवाजे का फरमाइश देखे। अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों नहीं, ये फरमाइश वाली बात नहीं होती, ये जो होती है ना एक किस्म की सजावट, और जो है ना पर्दा जो है सेफ्टी होती है उसके लिए। अगर खास मसलन के बाहर अगर आप खैरात वगैरह या कुछ भी करें, अगर सहन पर भी आप बिठा लें लोगों को, तो पर्दा वगैरह यहाँ पर होगा ना, तो अंदर जो है सेफ रहता है। हाँ जी, उस दिन जब खरीद किया था ना यहाँ पर औरतें बैठी हुई थी, औरतें ये भी थी पर्दे वाले भी थी, और वहाँ पर मर्द आते रहते थे, और वो जो पर्दे वाले थी वो कभी ऐसे कर देती थी कभी ऐसे कर देती थी, अगर पर्दा होता आगे पर्दा दे देते। हाँ वो जब खैरात पर बुलाते है ना, खैरात हो या कोई भी तकरीब हो, मर्द हजरात भी आते हैं और औरतें भी आती हैं, तो जो औरतें कुछ पर्दा पर्दे वाली भी होती हैं, तो उनको फिर जो है ना बड़ी
तंगी होती है, तंगी होती है, तो बहुत जो है ना उसका सामना करना पड़ता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, क्योंकि उन वो पर्दादार होती है ना, उनको ये चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये पता हमने चार दिवाली का भी दिलवाया है। हाँ। आने जाने वालों के लिए वो तो माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा खूबसूरत हो गया है, और आगे जो ये चीज़, ये खैर इतने महंगे तो नहीं होंगे, अभी दो ही पर दे देंगे ना। हाँ जी, जैसे ये है ना चारपाई के ऊपर है, ऐसे ये दरवाजे का आएगा, और वो तो बिल्कुल भी छोटा आएगा, दो दो वो चार आएंगे, बहुत इससे जो है ना और भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना आपका घर भी बन जाएगा, और अच्छी जो है रहन सहन भी हो जाएगी, और अच्छी जो है लुक भी आएगी कमरों की। बात तो दोनों की ठीक है, एकदम गुड, ओके है ना। क्या बात, इस बात पर जो है ना बहन भाई भी बताएंगे कि सही है या गलत। ये तो आपको पता है, काफी बहन भी आपको भी बोला था ना कि दरवाजे का पर्दा ले हैं और ये दरी का भी पर्दा ले हैं, आपने खुद बोला था मुझे, तो फिर वही बात तो कर रही हूँ ना। अभी तो सैन तो वैसे भी पक्का हो चुका है, आप धूल मिट्टी नहीं आएगी, तो फिर ये पर्दा बिल्कुल भी अच्छा होता है, और इंशाल्लाह और भी मेरी जो ख्वाहिश है हो जाएगी, कोई समझाने वाला हो ना तो फिर मैं मान जाता हूँ। मान गए माशाल्लाह, आपने समझा दिया ना, मान गए, ना समझाते तो मैं तो बस, मेरी बात तो मानते भी नहीं हो, चलो नहीं, नहीं। दूसरों की बात मान के बर्दत ले आओगे, दोनों की मानी है। नहीं, हमने मिल के समझाया है तो इरफान भाई मान गए, ऐसी बात नहीं है। जब पर्दा होता है कमरा कितना खूबसूरत लगता है। हाँ। अच्छा बताए कितना खूबसूरत लगता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, जब आप ले आएंगे ना तो फिर बर्तन और भी पड़े हैं, वो भी निकाल के तो फिर ऊपर रखूंगी, तो फिर देखना ये पर्दे भी लग जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा, इससे भी ज्यादा बन जाएगा। 27 अगस्त को ले आऊंगा। वो कब है 27 अगस्त? 14 अगस्त के बाद फिर ले आऊंगा, फिर सजा लेना। सही बात है, 14 अगस्त मना के फिर आप 27 अगस्त मनाएंगे, ये सजा कर। हाँ जी, अभी बहुत वक्त पड़ा 27 अगस्त को, अभी तो वैसे भी लंबा है, तो ढेर फरमाइशें हैं लेकिन आप पूरी नहीं कर सकते। चलो खैर, ले आएंगे अभी फौरन ही, पर्दे जो है ले आते हैं भाई, जो बात है हमारे घर के बड़े हैं अब, उनसे मशवरा होता है बाद में, फिर हम सोचते हैं। जी हाँ, मशवरा करना चाहिए, आपके अब्बू माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, वो अच्छा फैसला करते हैं। दूसरी बात तारीफ कर दी, वाह दूसरी बार, तारीफ हाँ दूसरी बार हो गई है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, बस सच में कोई झूठ नहीं है, बहुत अच्छे हैं ना। हाँ जी, चलो सही है जी, आप ये रूम भी दिखा दिया। हाँ मुकम्मल हो गया, निज़ाम भी बता दिए, तो सजावट होगी कल इंशाल्लाह, फिर दोबारा इनको ना उल्टे रखेंगे। ऐसे सीधे रखे है ना, फिर उल्टे रखेंगे, सजावट चेंज। एक बार ऐसा करें ना, सारे उतार के कहें इधर रख ले, अभी ये बेच दे। यार ये ना एक साइज हमने आजमा लिया है, ये रखे हुए ना डिजाइन, अब कल जो सजावट करेंगे ना, बर्तन भी उल्टे, चारपाइयाँ भी उल्टियाँ, पेटियों को भी उल्टा कर देंगे, और दूसरी सजावट देखे ऊपर क्या लिख दोगे, कमरे की उल्टी सजावट, सोने को मुदा कर दिया। सोने को उल्टा कर दिया, कमरे कहाँ ऐसे भी लग सकते हैं, कमरे की उल्टी सजावट चेक करें। अच्छा चले जी, फिर और भी एक दो चीजें हैं, खुफिया खुफिया वो भी दिखा दे। चले, और ये है जी, ये आपको बताऊं, कल भी बताया था, कल के वीडियो में देख सकते हैं बहन भाई, ये बनवाई भी थी, दिखा भी रहा हूँ। ये है जी मोहसिन भाई, ये कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए जगह बनाई है, यहाँ पर टैंकी रखेंगे, टैंकी रखेंगे जी, नहीं वो जो मोटी वाली रखी है ना, वो भैंस ये ना क्या उसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है बस ओके है। अच्छा ठीक है, जो भी बोलते हैं ठीक है। वो मैं ये सोच रहा था, जैसे ये बनाई है ना, ये ऊंची है, इस पर टैंकी रखेंगे, तो वो उसकी पहले से ये छोटी छोटी दीवार बनी हुई है, बंदा वहाँ पर बैठ सकता है,
मैंने कहा थोड़ी सी जो है ना वो बैठने वाली जगह बन जाती है ना, वो बैठने वाली। अब मैंने कहा कि वो छोटा पीढ़ियाँ है ना वो उठा के बैठ जाते। राइट कहा, कल मैंने मिस्त्रों से यही बात की है, मशवरा किया है, वो ना यहाँ पर बैठ के मुझे बातें सुनाने लगे, बोलते हैं देखो मैं नहीं बैठा हुआ। अच्छा हाँ, वैसे वही तो मैं कह रहा था। हाँ ऐसे भी बैठ जाते हैं, और वो पीढ़ियाँ भी कितनी माशाल्लाह ले आए हैं आप, तो चार तो आप ले आए हैं और दो पहले भी थे, और वो रख के बैठ जाते हैं, बदन बर्तन भी धो लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं। हाँ जी, अभी यहाँ पर कपड़े धोने हैं हमने, आज ही धोने हैं। हाँ जी आज ही धोने हैं, टंकी भर के रख दें आज। अब उन्हें क्या है, टंकी आज नहीं रखेंगे, इसमें पानी लगाएंगे ना तो कपड़ों का बोला है धो ले, ये खुश्क हो गया है, ये तो सूखा पड़ा है अब। और ये जो है ना ये सीमेंट का बना हुआ है, वो बजरी का, ये बजरी वाला होता है ये। हाँ अब उन्हें कहा इसको आज पानी लगा के ना, जब ये सूख जाएगी तो शाम को टैंकी को अच्छी तरीके धो के ना, तो फिर ऊपर रख देंगे, फिर भर देंगे। चलो ये भी हमने दिखा दिया, और वो रहा हमारा वाशरूम, और ये रही हमारी चार दीवारी, घर वाली चार दीवारी, और ये रहा हमारा गेट, और वो दूसरा मवेशियों के आने जाने वाला रास्ता, वो भी गेट। ये हमारे पौधे, इनके नीचे ये पानी देने वाला खड्डा, और ये फप्पड़ भी रहे हैं। वाह जी वाह, हमारे सरे तो फप्पड़ रहे हैं, देखें कैसे नथुरे तो फप्पड़ रहे हैं, और ये भी, और बेर भी, और वो भी। ये बात बताएं वो कब बीजेंगे? अच्छा आप फ्री हो लें, अबू भी फ्री हो लें, फिर वो लॉन की जगह जो है ना पूर करते हैं, घास तला, घास बूटियाँ, फल वगैरह, और भी माल्टे, अमरूद बेचना है, अमरूद, नींबू, निबोए, आम, ये सारा कुछ इसे एक में बीज देंगे। हाँ और छोटे छोटे से ना दो लाइने बनाएंगे, अगली साइड पर बनाएंगे दो लाइने, पिछले साइड पे पौधे बड़े, अगले साइड पे वो बूटियाँ फल, उनके सेंटर में जो बचेगी ना जगह, तीनों साइड पे तो ये होंगी घास। हमने सोचा है वो जो बूटी होती है ना, हाँ लंबा, वो जो बूटी होती है पहले भी फरमान भाई ने बीजा हुआ था, वो कौन सी होती है जो बिल्कुल ऐसे फूल होते हैं उसके, हर जगह होती है, आपने वो भी नीचे देखे होती है, वो ऐसे बूटे मतलब अपने शाखे निकालती है तो फूल भी उठाते रहती है, जाते रहती है जमीन के। कौन सी होती है, हमने कहा कि वो अपना बोतलों में डाल के ना, तो फिर चार दीवारी के ऊपर है, वो पता है सब बहन भाइयों को, मेरे पास भी है, सब बहन भाइयों को पता है, उनको भी पता है, हमने भी यही चार दीवारी के ऊपर रखी है। अभी वो उनकी मासूम भी आ रही है, वो जब दूसरी सर्दियाँ आती है ना उसमें वो सूख जाती है, इस टाइम अभी उनकी होने की, अभी थोड़े दिन जैसे गुजरेंगे फूल उठाते हैं बड़े मजेदार, जिनकी शाखें काट के लगा देते हैं वो वाले। हाँ वही बोल रही है। पहले पहले मैंने ना एक लगाई थी, अब उससे मैंने जो है ना 10 बोतलों में लगा के रखी है, अभी जब वो फूल उठाएगी ना तो मैं अपने जो मेरा किचन है उस पर रख के फिर मैं वीडियो बनाया करूँगा, बहुत ही फंटेस्टिक लुक आएगी। हाँ जी हमने भी यही सोचा है कि ये दीवार के ऊपर भी रख देंगे, और उस साइड पर बनाना है चूल्हा किचन के बिल्कुल साथ। हाँ जी बिल्कुल साथ बनाना है, और चूल्हे के ऊपर भी रख देंगे और उस दीवार पर रख देंगे, नीचे जो दीवार होगी उस पर भी रख देंगे, खूबसूरत लगेगी बोतलों के साथ। हाँ जी सही है, चलो ये तो बनाएंगे, अब आ जाए मसला करके ना सामान ले आएंगे। ये जो हमारा फर्श जो मैंने कल भी दिखाया था, टोटली फर्श देखें कैसा लग रहा है, माशाल्लाह खूबसूरत नजर आ रहा है, मेरा दिल कहता है मैं यहीं पर सो जाऊं। ये है जी हमारा हाउस, और आपने मुकम्मल घर का विजिट कर लिया। हाँ जी जरूर बताना है हमारा हाउस कैसा है। जी बिल्कुल सारा कुछ हमने एक एक चीज वादे वादे करके बता दी है। बिल्कुल कोई कसर नहीं रखी ना, और सबने बताना है हमारा हाउस अब कैसा है, पहले कैसा था। अल्लाह हाफिज़।